कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिल गई है। इससे पहले कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और चार अन्य डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दी थी। आरजीकर अस्पताल की डॉक्टर से रेप और मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय को सीबीआई ने आज सियालदह कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने संजय रॉय को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाने की भी मंजूरी दे दी, जिसके लिए सीबीआई को उसे एक दिन की रिमांड पर लेने की इजाजत मिली है। इससे पहले कोर्ट से आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और चार अन्य लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की भी परमिशन मिल चुकी है। दरअसल जाँच आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई को आरोपियों से कई सवालों के जवाब चाहिए। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के जिन चार कर्मचारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने का फैसला किया है, उसमें दो फर्स्ट ईयर पीजीटी के डॉक्टर अर्का और सौमित्र हैं। इसके अलावा एक हाउस स्टाफ गुलाम और एक इंटर्न सुभदीप भी शामिल हैं। सीबीआई ने इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला इसलिए किया क्योंकि दो डॉक्टरों के फिंगरप्रिंट सेमिनार रूम में पाए गए। वहीं हाउस स्टाफ को सीसीटीवी में पहली मंजिल की इमरजेंसी से तीसरी मंजिल पर जाते हुए देखा गया। इंटर्न सुभदीप भी तीसरी मंजिल पर था और पीड़िता से बातचीत की थी। कोलकाता की सियालदह कोर्ट में संजय रॉय की पेशी के दौरान वकीलों ने नारेबाजी की और उसे फांसी देने की मांग की। कोर्ट परिसर से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की रिपोर्ट देखिए। संजय रॉय को फांसी दो और जस्टिस के नारों से पूरा गुंजमान हो उठा है सियालदह कोर्ट। कोर्ट के परिसर के अंदर भी जो स्टाफ है, जो लोग हैं, वो भी आपको देख रहा होगा यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर इस तरह की तस्वीर कम देखने को मिलती है जब कोर्ट स्टाफ या एक तरह से कह सकते हैं वकील और जो लोग हैं वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देखिए ऊपर जो थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे सुनवाई हो रही है और थर्ड फ्लोर पे जितने भी लोग हैं वो वहाँ प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो सियालदह स्टेशन के सामने की तस्वीर है, यहाँ पे आम लोग भी प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये फांसी की डिमांड कर रहे हैं। तो ये सियालदह कोर्ट में आज संजय रॉय को पेश किया गया है। वह मुख्य आरोपी है पीड़िता के कत्ल को लेकर और पुलिस का चूंकि आज रिमांड खत्म हो रही थी तो सीबीआई ने अपनी दलील वगैरह पेश की है कि उन्हें पॉलीग्राफी टेस्ट और तमाम तरह की चीज़ें करनी है। संजय रॉय को संभवतः है प्लेस ऑफ अकरेंस पे भी लिया जाए, इन सभी चीज़ों के लिए उसके रिमांड की ज़रूरत है। उसके लिए सीबीआई आज सियालदह कोर्ट आई हुई है और इन सब के बीच ये प्रोटेस्ट हो रहा है।